हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से एक साथ भर्ती की नोटिफिकेशन है। अब बाकी की डिटेल, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या रहेगी और कैसे सबमिट करना है, क्या क्या सबमिट करना है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। नोटिफिकेशन में आप देख सकेंगे 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर पदों के लिए अभ्यर्थियों से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो 13 कस्तूरबा गांधी से एक साथ जहां जहां वैकेंसीज होंगी उन सबको क्लब कर दिया गया है। वन एकेडमी के ईयर के लिए लिया जाता है, बट कस्तूरबा गांधी में ऐसा नहीं रहता कि टर्मिनेट कर दिया जाता है, ईयर बाय ईयर उसको कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं। मैथमेटिक्स है, साइंस में पोस्ट है, हिंदी संस्कृत में है, फिर सोशल साइंस में है, आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक में है, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन में, कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम, और नॉन टीचिंग में भी है, मेन कुक है, असिस्टेंट कुक है एंड चपरासी की। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से रिलीज की गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, अमेठी वहां से रिलीज हुई है और इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जैसे यहाँ पे लिखा है पंजीकृत डाक से आपको एप्लीकेशन करनी है, तो ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको भेजना है। लास्ट डेट जो रहेगी रिसीव करने की एप्लीकेशन ऑफिस के एड्रेस पर, वो 15 अप्रैल 2023 होगी। 15 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। www.mat.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आई हुई है केजीबीवी के नाम से, केजीबीवी वैकेंसी के नाम से, वो भी देख लेंगे। 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, 25 to 45। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होती। टीचिंग पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डायरेक्ट इनवाइट किया जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करके ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसमें लिफाफे में क्या क्या डालना है, क्या ये पॉइंट 15 एंड पॉइंट 16 आप पढ़ लें। एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजना है, ये साफ साफ है। मतलब एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो एक ही लिफाफे में आप दो तीन पोस्ट के लिए अप्लाई करके मत भेजें, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो साफ साफ यहाँ पे देखें, बोल्ड में लिखा है प्रारूप, विज्ञप्ति प्रारूप। अच्छा, इसमें जो मेन फुल टाइम टीचर्स हैं उसमें सिर्फ फीमेल टीचर्स को ही लिया जाएगा। और इसके बाद सभी पदों पर यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे कस्तूरबा गांधी में ऐसा रहता है पार्ट टाइम जो टीचर्स हैं उनमें मेल कैंडिडेट्स की भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, बट जहाँ लिख दिया जिस कस्तूरबा गांधी के एडवर्टीजमेंट में कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें, तो मतलब वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। पंजीकृत डाक से डाक द्वारा विलंब, तो वो टाइम से भेज दें सो दैट वक्त पे पहुंचे, लेट से पहुंचेगा तो वो उसके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप जब पेज नंबर 4 पर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 4 पर आवेदन पत्र का प्रारूप, इसको ही डाउनलोड कर लेना, फिल कर लेना। एड्रेस जो है, आप कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं एड्रेस क्या रहेगा, तो एड्रेस तो यहाँ पर ही दिया रहता है, एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लें, एड्रेस लिखा रहता है। सैलरीज 22,000 पर मंथ रहेगा, फिक्स सैलरी रहेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका फुल टाइम टीचर्स को वहीं पे रुकना होता है, रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाती है। पहले रेसिडेंस भी फ्री होता था, मील भी फ्री होता था, अभी कम से कम रेसिडेंस तो फ्री देते होंगे। 22,000 रुपीज पर मंथ फिक्स है जो भी फुल टाइम टीचर है। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए अलग अलग सैलरी, जो मोस्टली 9,800 पर मंथ है। इसमें पार्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि आपको पूरे दिन का वर्क नहीं रहेगा, मतलब हाफ डे आपको काम करना रहेगा, या जिस वक्त आपके लेक्चर्स हैं उस वक्त। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भेजने के लिए जो एड्रेस है वो दी होती है, तो उसी एड्रेस पर आप भेजें, और नहीं तो फिर ऊपर में शॉर्ट में लिख दिया जाता है वो भी उस पर भी भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है ना, यहाँ पर देखेंगे कहीं पर तो भी लिखा रहता है आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी, इतना लिखा, और उसके बाद पिन जो है गूगल कर लें अमेठी का पिन क्या है, तो उस पर भेज दें, एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है,
डिस्ट्रिक्ट अमेठी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, उसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है। सबसे पहले जो है नोटिसेज में, व्हाट्स न्यू में, बीएसए वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन होगी जिसमें एडवर्टीजमेंट दी हुई है। तो पेज ओपन हो रही है, तो ये पेज ओपन होती है जिसमें कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, डाउनलोड 1008 KB लिखा हुआ है। और इसमें जो एंड डेट है ये नहीं देखना है, एंड डेट यहाँ पे कुछ और लिखते हैं और अंदर एडवर्टीजमेंट में कुछ और लिखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट वाली एंड डेट देख लिया करें, इसमें मिस्टेक रहती है। डाउनलोड करेंगे तो इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है amethi.nic.in, ऐसे गूगल से भी मिलेगी, अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको अमेठी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी।